हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है निक्रो रिएक्टेड 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और ये मेरी जो है नॉन नॉर्थ ईस्टर्न वीडियो है। जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं नॉन नॉर्थ ईस्टर्न वीडियोस पे भी अब रिएक्शन दूंगा, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट के जो है बाहर के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि जब मेरे पास पूरे इंडिया से ऑडियंस होगी और फिर मैं नॉर्थ ईस्टर्न वीडियोस पे साथ साथ रिएक्शन दूंगा, तो आपका कल्चर ज़्यादा प्रमोट होगा पूरा नॉर्थ ईस्ट का। तो ये फर्स्ट वीडियो है, मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं ट्राई करूँगा कि जब भी मेरी कोई वीडियो है तो दो वीडियोस आए, एक जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए हो और या फिर वो लद्दाख के लिए, और दूसरी वीडियो जो है वो बाकी इंडिया के पार्ट से हो। तो ठीक है, तो ये जब मैंने ये लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं ऐसा करूँगा, तो मुझे रिकमेंडेशंस आना शुरू हो गया था। तो उसमें से एक इस वीडियो के लिए रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा आई मुझे, तो अब मैं इस पर कर रहा हूँ। इसका ये जो वीडियो है इसके टाइटल में है लिखा हुआ, डोंट बी अ शीप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। क्योंकि ये एक सोशल मैसेज के साथ है, इसलिए मैंने इस पे रिएक्शन देना जो है थोड़ा सही समझा। सो देखते हैं इस वीडियो पे क्या है। और अगर मैं इसके पूरे टाइटल की जो है बात करूँ, तो इस पे लिखा हुआ है, डोंट बी अ शीप ऑफ इन्फ्लुएंसर, गुरु इज़ अ पॉसिबिलिटी, ओके, द बच्चर एंड मैजिशियन। ओके, तो ये इस पूरे इसके टाइटल में है। और इसमें नीचे एक वार्निंग भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें ये है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो थोड़े अपने क्या मतलब ज़्यादा ऑफेंड ना हो, कुछ ऐसा वार्निंग दे रखी है। शायद इसमें कुछ ऐसा कंटेंट है जिससे कुछ बंदे ऑफेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो अपनी समझदारी से जो है इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने भी वीडियो को जो है नहीं देखा है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं जिस वीडियो पे भी वो रिएक्शन देता हूँ, मैं कभी वो वीडियो देखता नहीं हूँ, मैं आपके साथ ही वो वीडियो को देखता हूँ। तो पता नहीं क्या होगा इसमें। अब उसने वार्निंग में ऐसा लिख दिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं ऐसा क्या है, और अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर देखते हैं किस बारे में है वीडियो। और आप लोग भी जो है, अगर कोई से अफेंड होता है तो ज़रा ठंडे दिमाग से जो है काम लीजिएगा। ठीक है, अगर ये ज़्यादा ऑफेंड करने वाली बात वीडियो हुई तो मैं इसे पब्लिश नहीं करूँगा, पर अगर मुझे लगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, और इसमें इसमें साफ साफ लिखा है कि ये उसके पर्सनल व्यूज़ हैं। ठीक है, और वो नहीं चाहता कि मतलब वो किसी को थोपना नहीं चाहता, वो बस अपने पर्सनल व्यूज़ शेयर कर रहा है। अब पता नहीं यार ऐसा क्यों लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं उसके वीडियो को और उसके बाद देखते हैं वीडियो जो है कैसी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 स्ट्रिंग। और ये एक साउथ इंडियन चैनल आई थिंक, Rajiv used to tell a parable. गुरुजी एफ जॉर्ज There गुरुजी was a magician who was also a shepherd. He had thousands of sheep to look after, and he was a very miserly man. So he didn't want many servants, and he didn't want many watchmen. He did not want to pay anybody, and he did not want his sheep to be lost or taken by the wolves. But it was very difficult for him to take care of all the sheep alone. He was very rich and he had many sheep, so he played a trick on the sheep. He hypnotized them. He was a magician. He hypnotized them and told every sheep, "You're not a sheep. Don't be afraid." To some he said, "You're a lion." To some he said, "You are tigers." To some he even said, "You're men. Nobody is gonna kill you. Don't be afraid. And don't try to escape from here." The sheep started believing in his hypnosis. Every day he would butcher a few sheep, but the others would think, "We are not sheep. He is butchering only sheep. We are lions. We are tigers. We are wolves." Even that they were men. Some were even told that they were magicians, and they believed it. They were not worried at all.
because it was always some other sheep which was to be butchered. They remained aloof, distant. And by, they were all butchered. The moral of the story is, don't be a sheep and believe in whatever they say. Your teachers, your parents, your politicians, your books, and your philosophy. किसी को भी blindly follow नहीं करना चाहिए. Butchered by the butcher known as ignorance. You will be butchered. There is only one being who can get you out of the ignorance. We call that person a guru. A guru is not a teacher. A guru is not a philosopher. A guru is someone who has a method for you. A guru is someone who can transform you, who can initiate you, who can plant a seed in you so that you grow and flower. It's so painful to see a huge gathering of people being brainwashed by all kinds of idiots who doesn't even have a basic understanding of their own talk. Word guru hai wo Sanskrit language se aata hai aur iska matlab hai great spiritual master or teacher. If you look into their personal lives, it's clearly evident what kind of fools these are. I'm talking to him now, please. नहीं मुझे रिटर्न अपोलॉजी नहीं चाहिए. वो तो शैलेश जी ने बोला मुझे नहीं चाहिए रिटर्न अपोलॉजी. फिर भाई ये दिस इज नॉट दैट सिंपल ना यार. यहाँ पे खून खराब हो जाता है पता है आपको. दैट्स व्हाई यू अपोलॉजाइज. हाँ आपने स्टेज पे किया. मैं स्टेज के पैर पड़ के ऊपर आया ना स्टेज पर. आप अमरनाथ यात्रा पे क्या जोक मांगने वाले थे. द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट दे यूजिंग द इविल इंटेंशंस बिहाइंड देयर टॉक. गांड में गोली मारूंगा. पर मोदी जी के जो सारे फैन है ना पूरी तरह चुतिया गया मतलब. They are doing a good business out of you. 1 lakh views पे अराउंड आप कह सकते हो $50 to $100 के बीच में आ सकते हैं. $200. And you clapping your hands for the glory of being deceived by them. What a pathetic way to entertain yourself. But when you look at the life of a guru, they're always among the people. They don't have a life of their own. Most of them don't have a home of their own. They're always at work. Cleaning the shit that these idiots have created. They are making a living out of your stupidity. But when you look at the life of a guru, it's always about the well-being of the other. A guru need not be a person at all. If you're intelligent enough, even a bird, a tree, the air, a mountain can be your guru. A guru is a possibility. It's a possibility to get you out of this brainwash. And if the guru is in human form, then you're really fortunate. Because now you have a person who can communicate the truth in a language that you understand. But the influencers are different. They are making a living out of your stupidity. You sitting there, hoping to get a good takeaway. What is the takeaway? A piece of shit, huh? Mera mutra pilo. This is what they're offering. You play a major role in destroying the consciousness of people because when you make these idiots famous in the world, they become the actual evil which destroys the lives of millions. I mean, what kind of a donkey you are that you can't even recognize who is authentic, who is wise person and who is an idiot? How many people have worked upon you since childhood? How many people have brainwashed you? Your parents, your teachers, your friends, your philosophers, and the so-called influencers. You have become a total ignorant. A machine put to work by the society. Like a robot. Reacting to every situation compulsively. Programmed by these idiots. What makes you think you can live a better life just by following a book? People are suffering immensely like never before in the world. Most of them end up committing suicide or dying a painful death in the hospital. But when you look at the people in the ashram, how pleasant they are, how peaceful they are. Problems in their lives is out of question. How healthy they are, most of them are engaged in solving the problems of the world. They are in charge of various charity activities in the world. All this happens because they have a guru to transform them.
and energize them on a different level, not by talk, but by transforming the very life energies. Gurus have always established energy structures that could benefit the humankind for centuries to come. But look at these idiots. What have they done? Have they done anything significant in their lives except talking rubbish in front of the camera? Do you really follow these idiots? Don't you have anything better to watch on the internet? The problem with you is, you don't have a guru to guide you on a right path. And you have a lifetime's of habit of running after whoever entertains you a bit. Doesn't matter even if they're making you drink their own pee. Mera mutra pee lo. A guru's work is all about crafting methods so that you come out of this brainwash and function out of intelligence, not being clouded by the morals, belief systems, philosophies that made your life so complicated. Look at the percentage of deaths that happen in hospitals. I would say these talks have a great impact in driving people nuts and commit suicides, crime, rape, religious riots, murder, etc. In fact, it is those who don't realize the significance of a guru end up in fight and conflict in the world. A guru is someone who sets you free from the slavery of the society and gets you to a place where you breathe fresh air and experience the bliss of living in a heaven known as the planet Earth. Okay. So, वैसे और भी वीडियो पड़ी हुई है उसमें से यही है. ओके, सो जो वार्निंग थी उसके हिसाब से तो वीडियो ठीक ही थी, मतलब उतना ज़्यादा कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं था, सो मैं पब्लिश कर सकता हूँ इसे. बाकी इस पूरी वीडियो में भाई ने एम्फेसाइज किया है गुरु को, कि अच्छा गुरु फाइंड करो, ठीक है. गुरु कोई भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई ह्यूमन, नहीं तो आप किसी जानवर से सीख सकते हैं. पता नहीं, क्योंकि मैं हिंदी हूँ तो मुझे एक स्टोरी है पता, कोई ऋषि से, मुझे उनका नाम नहीं पता. एक बार मैं कोई पता नहीं महाभारत देख रहा था, तो महाभारत देख रहा था कि नहीं क्या देख रहा था, पर उसमें मुझे एक वो एपिसोड याद आया जिसमें कहा गया था कि एक ऋषि हैं जिन्होंने अपना पूरा ज्ञान जो है वो एक गाय से और एक कुत्ते से सीख लिया था. तो यानी आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो, ठीक है. आपको कोई जो है पेड़ सिखा सकता है, ठीक है, कोई माउंटेन जो है वो आपको कुछ जो है वो ये सिखा सकता है. तो आप सोचोगे कि वो हमें क्या सिखाएंगे. देखो वो ऑब्वियसली बात है, वो आपके मैथ वगैरह तो आपको जो है वो सिखाएंगे नहीं. वो आपको सिखा सकते हैं वो क्वालिटीज़ जो आपको बाकी क्वालिटी सीखने में हेल्प कर सकती है. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपको जो है एक ट्री से आप क्या सीख सकते हैं, ट्री से आप सीख सकते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है, कि स्टेबल कैसे रहना है. और मतलब और भी हैं कि हम वो मतलब आपने काफ़ी बार जो सुना होगा कि अगर आपकी जड़ें मजबूत होती हैं, आपकी फाउंडेशन मजबूत होती है, तो आपका जो है फ्यूचर बहुत अच्छा होता है. तो अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो. आप कुछ भी नया सीख रहे होते हैं तो आपको जो क्या बोला जाता कि अपने बेसिक्स जो हैं वो पहले स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद कुछ सीखना. तो यही चीज़ आप ट्री से भी तो सीख सकते हो. जिस ट्री की जड़ें मजबूत होती हैं वो बहुत लंबी लाइफ जो है वो जीता है और उसे जो है कुछ नहीं होता है. तो वैसे ही आप किसी भी चीज़ से कुछ भी सीख सकते हो. हर एक में कुछ ना कुछ अच्छी बात तो होती है, ठीक है. हर इंसान में या फिर हर चीज़ में कुछ अच्छी और बुरी बातें होती हैं. आपको बस सिर्फ अच्छी बातें सीखनी है. आप किसी से भी सीख सकते हो. इस पूरी वीडियो में भाई ने यही बोला है कि एक अच्छा गुरु ढूंढिए, ठीक है. और जो नफ़रत फैलाते हैं, हेट फैलाते हैं, उनके पीछे मत भागिए. और अगर मैं रिलीजन की बात करूँ तो देखो मेरा पर्सनल व्यू है भाई मेरा, ठीक है. मैं सिर्फ अपने पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ. वो ये है कि किसी भी रिलीजन में, चाहे वो जौन सा मर्जी वो रिलीजन हो, जो है ना एकदम वो कट्टर नहीं होना चाहिए. मतलब ऐसे जो है, मतलब होते हैं ना कुछ एकदम जो है अपने रिलीजन को ही सिर्फ जो है बेस्ट मानते हैं और बाकी रिलीजन को समझते हैं कि नहीं वो सही है, वो मतलब उनका वे सही नहीं है. ये नहीं आना चाहिए. आप जिस भी रिलीजन के हो सिर्फ उसकी मतलब
कट्टर मत हो, ये ना मानो कि भाई दूसरा रिलीजन सही नहीं है मेरा वाला सही है, ये बिल्कुल नहीं है। जब ये बात आने लगती है ना, प्रॉब्लम ही सारी वहाँ वहीं खड़ी होती है। आपको देखो, आप मानो चाहे ना मानो, पर हर रिलीजन में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी भी रिलीजियस बुक्स जो है बनी हैं वो हज़ारों साल पुरानी हैं, और तब की सोसाइटी कुछ और थी, अब की सोसाइटी कुछ और है, तब का लोगों का माइंडसेट कुछ और था, अब का लोगों का माइंडसेट कुछ और है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो तब अच्छा था वो अब भी अच्छा ही रहे। तो आपको जो है सिर्फ आपको देखना है कि अब की वो जो है सोसाइटी के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है। आपको सिर्फ सही बात चूज़ करनी है, हमेशा अच्छी चीज़ों के पीछे जाओ, ठीक है। बाकी ये वीडियो जो है आपको जो है कैसी लगी, बाकी जो उन्होंने बोला कि एक अच्छा गुरु ढूंढिए, इन्फ्लुएंसर्स के पीछे मत जाइए, जैसे कि कुणाल कामरा, मुझे ये भाई सही में थोड़े कंट्रोवर्शियल तो बहुत रहते ही हैं ये, क्योंकि इनके ट्वीट्स वगैरह, उनके स्टेटमेंट वगैरह जो है ऐसे ही रहती हैं। और एक तो वो ध्रुवराती थे, और वो बड़ा फेमस शायर बनता बिहार का है, मतलब है ही कुछ। अब मुझे क्या नाम है, क्या नाम, हाँ वो कन्हैया, एक तो कन्हैया थे, एक वो एक एक्ट्रेस है, एक और भाई था बीच में जो गुरु की डेफिनेशन था बता रहा ना, कि गुरु का मतलब होता है सिर्फ रिलीजियस टीचर। एक वो नहीं पता कि वो जो है वो कौन है, बाकी उसकी उस डेफिनेशन से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। गुरु का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि रिलीजियस टीचर, ठीक है, कोई भी गुरु हो सकता है किसी भी तरह का। आपका कोई दोस्त भी आपका गुरु जो है बन सकता है, आप जिससे भी कुछ सीखते हैं वो आपका गुरु है, चाहे वो कुछ भी सिखाए आपको, ठीक है। सिखाने वाला गुरु होता है, बस सिंपल मीनिंग ये होता है गुरु का, जो भी आपको कुछ सिखा पाए वो गुरु है, ठीक है। और गुरु कोई भी जो है वो हो सकता है आपका छोटा भाई, या फिर आपका डॉग, आपकी फिश, कोई भी। ओवरऑल वीडियो मुझे अच्छी लगी, और इतना कुछ कंट्रोवर्शन नहीं था, भाई ने सिर्फ गुरु पे और जो सही बात है उसको फॉलो करो, ठीक है, ऐसी ब्लाइंडली किसी को मत फॉलो करो। या फिर मैंने देखा है आजकल की सोसाइटी में ना, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, मतलब कुछ लोग अपने आप को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम लिबरल हैं, ठीक है, हम बड़ी, हमारी थिंकिंग बड़ी ब्रॉड है, और कुछ भी अपोज करते हैं। मतलब आजकल तो वैसे भी ट्रेंड हो गया है कि हिंदुज़म का मतलब इंसल्ट किया जाता है, कुछ भी जो है उल्टा सीधा बोल देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि नहीं हम तो लिबरल हैं, जबकि उनको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। और वैसे भी किसी भी रिलीजन के बारे में बैड कमेंट्स तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता भाई किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करने का, ठीक है। तुम्हें नहीं पसंद तो चुप रहो भाई, तुम्हें जुड़ी लोगों को बोल के उसे जो है वो हर्ट करना, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि हर रिलीजन में कुछ अच्छी और बुरी बातें होती हैं, तो आपको सिर्फ अच्छी बातों पे ही जाना चाहिए। इवन किसी भी बुक या फिर रिलीजन को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, चाहे वो जो मर्ज़ी हो। बाकी आपके जो भी व्यूज़ हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।